इस सुशासन की सरकार में आए दिन आपराधिक घटनाएं घटती हुई नजर आ रही हैं। बेखौफ बदमाश को किसी का डर नहीं है और अब इन अपराधियों का तांडव आए दिन देखने को मिल रहा है। बिहार के नालंदा जिले में बेखौफ बदमाशों ने एक सरकारी स्कूल में घुसकर रसोईया को ताबड़तोड़ गोली मारी, जिससे उनकी मौत हो गई है। इस मौत के बाद ग्रामीणों ने विरोध में सड़क को जाम कर दिया है। बता दें कि घटना बिहार के नालंदा जिले की है, जहां हिलसा थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में कुछ बेखौफ बदमाश घुस आए। स्कूल में घुसने के बाद उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिससे घटनास्थल पर ही रसोईया की मौत हो गई। इस मौत के बाद लोग बवाल कर रहे हैं। बता दें कि बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर के ग्रामीणों ने इस्लामापुर हिलसा मार्ग को जाम कर दिया है। बता दें कि मृतका की पहचान मई गांव निवासी धर्मदेव प्रसाद की पत्नी के रूप में हुई है, जिनका नाम सुलोचना देवी था। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शिक्षकों को बंधक बनाकर स्कूल में जमकर बवाल काटा है। घटना की जानकारी मिलते ही हिलसा थाना अध्यक्ष प्रकाश कुमार वहां पहुंचे और उन्होंने लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की है। यहां लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि स्कूल में छात्र और छात्राओं के द्वारा गलत हरकत की जाती थी, जिसे देखकर मृतका ने उन्हें डांटा और फटकारा था। शायद इसी वजह से बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दे दिया। ये घटना सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है। बता दें कि इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने बताया है कि 3 की संख्या में बदमाश आए थे। तीनों ने फायरिंग की और उसके बाद फायरिंग करते हुए ही फरार हो गए। दिन दहाड़े स्कूल में घुसकर हुई इस घटना से ग्रामीण काफी ज्यादा गुस्से में हैं। उनके द्वारा पता चला कि कोई बाहरी आदमी जो है कहा कि आपको एक आदमी जो है शादी का कार्ड देने के लिए बुला रहे हैं, तो पूछे कि किनका बुला रहे थे, तो बोला कि सुलोचना देवी कहते कि अवशेष रसोईया से पता चला। वो कहे कि कहला जा रहा छोड़ा बाद में ले लिया, तो कहते ना नहीं ये हमारा कोई परिवार का होगा, तो वो चली गई और वहाँ गई माने गेट पर नज़दीक गई और वहीं पर उनका जो है गोली से माने इस तरह का घटना घटा है। क्या गोली मारने वाले की पहचान हो पाई है? नहीं, गोली लगने वाले की पहचान नहीं हो पाई। गोली मारने वाला की पहचान हो पाई है? मुझे नहीं पता है, और जहाँ तक आपने बताया प्रायः की घटना है, तो मैं लगभग 2 साल से MGM का प्रभारी हूँ और 2 साल में ये पहली घटना है जब किसी रसोईया को गोली मार दी। तो मुद्दा कुछ तो होगा, वैसा पता चला? अनुसंधान का विषय है, पुलिस पदाधिकारी आए हुए थे।